इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा दसवीं का विषय विज्ञान यानी कि सब्जेक्ट साइंस का पाठ दो, जिसका नाम है अमल शारक एवं लवण। पाठ शुरू करने से पहले महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ। जो भी पाठ दो के प्रश्न दिए गए हैं एनसीईआरटी की किताब में, उसके एनसीईआरटी के सॉल्यूशन और साथ ही पाठ के नोट्स दोनों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पाठ में सबसे पहले पढ़ते हैं अम्ल, अम्ल के गुणधर्मों के बारे में। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहा जाता है। इसमें सबसे पहले दिया है हमें, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर अम्ल को हम चखेंगे तो वो स्वाद में हमें खट्टे लगेंगे। आगे है इसी में, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। अगर कोई भी नीला लिटमस पत्र अम्ल के संपर्क में आएगा तो उसका रंग परिवर्तित होके लाल हो जाएगा। ठीक है, नीले को लाल में बदल देंगे, लेकिन लाल पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर लाल लिटमस पत्र अम्ल के संपर्क में आएगा तो उसका रंग लाल ही रहेगा, सिर्फ नीले को लाल में बदल देते हैं ये। ठीक है, आगे है इसी में, ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयंस देते हैं। अगर अम्ल में जल डाला जाएगा तो वो जल में हाइड्रोजन के धन आयंस बनाएंगे। ठीक है, धन आयन यानी कि जमा वाले। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं कुछ अम्ल के। सबसे पहले इसमें HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल, और इसी में एक आता है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल का आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक ऐसा उदाहरण ले लेते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है अम्ल का, तो वो है नींबू। ठीक है, नींबू में जो है वो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि कोई नीला लिटमस पत्र जितना भी नींबू के रस के संपर्क में आया उतना ये लाल रंग में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अम्ल में दो शब्द आते हैं, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। इन्हें भी समझना हमारे लिए जरूरी है। तो सांद्र अम्ल क्या होता है, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल अल्प मात्रा में होता है, यानी कि अम्ल जो है वो ज्यादा हो, ठीक है, और पानी वो कम हो, पानी की मात्रा कम हो अम्ल की मात्रा अधिक हो, तो उसे कहा जाएगा सांद्र अम्ल। ठीक है, इसी प्रकार से तनु अम्ल क्या होता है, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में और जल अधिक मात्रा में हो। सांद्र का बिल्कुल उल्टा होगा तनु, यहां पर अम्ल जो है वो अल्प यानी कि कम मात्रा में है और जल अधिक मात्रा में है। अब बात आती है, अगर सांद्र अम्ल को हम तनु अम्ल में बदलना चाहें या तनु अम्ल को सांद्र अम्ल में बदलना चाहें तो किस प्रकार से किया जा सकता है। सांद्र अम्ल को हम पानी में मिला देंगे। ठीक है, सांद्र अम्ल को अगर पानी में डाल दिया जाए तो वो तनु अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से अगर तनु अम्ल में से हम पानी को वाष्पीकृत कर दें, ठीक है, पानी को वाष्पीकृत कर दिया जाए तो वो सांद्र अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अम्ल के गुणधर्म के बाद अब देखते हैं शारक के गुणधर्म। शारक को इंग्लिश में बेस कहा जाता है। इसमें सबसे पहले दिया है हमें, शारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अगर शारक को हम अपनी जीवा यानी कि जीभ पर रखेंगे तो उनका स्वाद हमें कड़वा प्रतीत होगा। आगे है, ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। अगर कोई लाल लिटमस पत्र शारक के संपर्क में आएगा तो उसका रंग बदलकर अपने आप ही नीला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नीले पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता, ये सिर्फ लाल को नीले में बदलते हैं। अगर कोई नीला लिटमस पत्र शारक के संपर्क में आएगा तो उसका रंग नीला ही रहेगा, सिर्फ लाल को नीले में बदलेंगे। ठीक है, आगे है, ये जलीय विलयन में OH ऋण आयन देते हैं। ठीक है, अगर शारकों में जल डाला जाएगा तो जल में ये OH यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड के घटा माइनस यानी कि ऋण आयन प्रदान करेंगे हमें। ठीक है, कुछ उदाहरण ले लेते हैं शारक के, जैसे NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये कुछ ऐसे उदाहरण हो गए जो हम लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला में देखते हैं। एक दैनिक जीवन वाला उदाहरण ले लेते हैं, जो हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं शारक, तो वो है साबुन। ठीक है, साबुन में जो है वो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं, अगर कोई लाल लिटमस पत्र साबुन के संपर्क में आएगा तो उसका रंग बदलकर नीला हो गया है। ठीक है, अब शारक में एक शब्द आता है शार। ठीक है, इन दोनों में अंतर है, शारक और शार में थोड़ा सा अंतर है, उसे समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार शार के बारे में पूछा जाता है तो बच्चे शारक के बारे में लिख के आ जाते हैं। तो शार क्या होते हैं, जल में घुलनशील शारकों को शार कहते हैं। ठीक है, अगर ऐसे शारक जो जल में आसानी से घुल जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है शार। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण ले लेंगे इसका, NaOH जो साबुन में पाया जाता है, ये आसानी से जल में घुल जाता है, तो हम इसको शार भी कह सकते हैं और शारक भी कह सकते हैं। ठीक है, अम्ल और शारक के गुणधर्मों के बारे में पढ़ने के बाद अब बात आती है कि अम्ल और शारक, कोई भी हमें वस्तु दी गई है उसको हम कैसे पहचानेंगे कि वो अम्ल है या शारक है। आप कहेंगे कि चखकर,
टच करके उसे, ठीक है। तो रसायन विज्ञान में किसी भी चीज को चख कर या टच करके पता नहीं लगाया जाता है, क्योंकि वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। रसायन विज्ञान में बहुत सारे ऐसे अम्ल होते हैं जो टच करने पर ही हमारे हाथों को जला सकते हैं, इसलिए आपको सावधानी रखनी है। किसी भी अम्ल या क्षारक को आपको टच नहीं करना है और ना ही उन्हें चखना है। तो कैसे पता लगाएंगे? उसको पता लगाने का तरीका है सूचक। सूचक क्या होते हैं? सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाता है, ठीक है। सूचक कोई ऐसी चीज होती है जो विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाएंगे, और दर्शाने का तरीका क्या होगा? जब वो अम्ल के संपर्क में आएंगे तो उनका रंग या गंध तेज या कम हो जाएगी, या फिर उनका रंग जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। और क्षारक के माध्यम में आएंगे तो उनका रंग और कुछ अलग हो जाएगा जो अम्ल में नहीं होगा। अलग अलग रंग, यानी कि अम्ल के लिए अलग रंग दर्शाएंगे और क्षारक के लिए अलग रंग दर्शाएंगे। इसी प्रकार से गंध यानी कि खुशबू, अम्ल के संपर्क में आने पर खुशबू कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है, या फिर क्षारक के माध्यम में अम्ल का बिल्कुल उल्टा हो सकता है। तो सूचक जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है कृत्रिम सूचक जिसे संश्लेषित सूचक भी कहा जाता है, और तीसरा है गंधीय सूचक। इन तीनों सूचकों के बारे में एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं आगे वाले पेज पर। सूचक का पहला प्रकार है प्राकृतिक सूचक। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। प्रकृति में हमारे पास क्या होता है? पेड़ पौधे। अगर जो भी ऐसे सूचक जो पेड़ पौधों से मिलते हैं उन्हें कहा जाएगा प्राकृतिक सूचक, ठीक है। उदाहरण ले लेते हैं। इसके उदाहरण में हमारे पास है यहाँ पर पहला लिटमस और दूसरा हल्दी, दोनों ही हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। अब ये अम्ल और क्षारक माध्यम कैसे बताएंगे कि कोई भी वस्तु दी गई है वो क्षारक है या अम्ल है? तो अगर कोई नीला लिटमस पत्र अम्ल के संपर्क में आएगा तो उसका रंग परिवर्तित हो जाता है लाल में, ठीक है। यानी कि लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र हम किसी वस्तु में डालेंगे, ठीक है, किसी विलयन में रखेंगे, अगर उसका रंग लाल में परिवर्तित हो जाता है तो हम कहेंगे कि वो वस्तु क्या है, वो विलयन अम्लीय है, ठीक है। इसी प्रकार बिल्कुल इसका उल्टा, अगर कोई लाल लिटमस पत्र विलयन में डालने पर नीला रंग में परिवर्तित हो जाए तो वो होगा हमारा क्षारक। हल्दी का आपने नोटिस किया होगा, हल्दी के लिए, हल्दी जो अम्ल के संपर्क में आने पर उसका रंग पीला ही रहता है, ठीक है, प्राकृतिक तौर पर हल्दी का रंग पीला ही होता है, तो अम्ल के संपर्क में आने पर ये अपना रंग परिवर्तित नहीं करती है। लेकिन जब हल्दी क्षारक के संपर्क में आएगी तो इसका रंग लाल हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, हम खाना खाते समय कपड़ों पर हल्दी यानी कि सब्जी गिर जाती है, उसमें हल्दी होती है, ठीक है। जब हम उसे धोते हैं यानी कि साबुन, जब वो साबुन के संपर्क में आती है, धोते समय उस पर साबुन लगाते हैं हम, तो वो साबुन यानी कि क्षारक के संपर्क में आती है तो उसका रंग लाल हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का ही सूचक है जो अम्ल में हमें पीला रंग प्रदान करता है और क्षारक के साथ इसका रंग लाल हो जाता है, ठीक है। सूचकों का दूसरा प्रकार है कृत्रिम सूचक, या फिर हम कह सकते हैं संश्लेषित सूचक। संश्लेषित का मतलब होता है जिसे बनाया गया हो, ठीक है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक या फिर संश्लेषित सूचक कहा जाता है, ठीक है। जो रसायन यानी कि केमिकल द्वारा प्रयोगशाला यानी कि लैबोरेटरी में बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक या फिर संश्लेषित सूचक कहा जाएगा। केमिकल्स यानी कि रसायन के द्वारा बनाए गए हैं। उदाहरण देख लेते हैं इसके लिए। पहला है हमारे पास फेनोफ्थलीन और दूसरा है मैथिल ऑरेंज, ठीक है। ये दोनों उदाहरण हो गए। अब ये किस तरह से क्षारक और अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाते हैं? तो फेनोफ्थलीन जब अम्ल के संपर्क में आता है तो इसका रंग जो है वो अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। यानी कि पानी जैसा रंग रहता है बिल्कुल इसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का, जिस तरह का पानी होता है उस तरह का ही रंग होता है, ठीक है, अम्ल के संपर्क में आने पर इस तरह का रंग। और अगर ये क्षारक के संपर्क में आएगा, फेनोफ्थलीन अगर क्षारक के संपर्क में आएगा तो इसका रंग गहरा गुलाबी या फिर कह सकते हैं कि बैंगनी हो जाता है, ठीक है, गहरा गुलाबी कहेंगे इसे, इस तरह का रंग हो जाता है। इसी प्रकार से मैथिल ऑरेंज जब अम्ल के संपर्क में आएगा तो इसका रंग परिवर्तित होकर लाल हो जाता है। अम्ल के संपर्क में आने पर मैथिल ऑरेंज का रंग जो है वो लाल हो जाता है, और मैथिल ऑरेंज अगर क्षारक के संपर्क में आएगा तो उसका रंग पीला हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये अम्लीय और क्षारक प्रवृत्ति किसी भी विलयन की अम्लीय व क्षारक प्रवृत्ति को रंग द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। सूचक का तीसरा प्रकार है गंधीय सूचक। गंधीय यानी कि जो हम अपनी नाक से महसूस कर सके। इसकी परिभाषा क्या होगी? जिन पदार्थों की गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाए उसे गंधीय सूचक कहा जाएगा, ठीक है। अगर अम्ल में गंध यानी कि खुशबू या बदबू जो भी आप कहेंगे वो ज्यादा हो जाए या कम हो जाए और इसका उल्टा क्षारक के माध्यम में हो जाए तो हम पहचान सकते हैं
जो विलयन होगा वो अम्लीय होगा या क्षारक होगा। उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पर उदाहरण हमारे पास है तीन, पहला प्याज का रस, दूसरा वेनिला और तीसरा लौंग का तेल। ये किस प्रकार से अम्लीय व क्षारक माध्यम को बताएंगे? तो जब प्याज का रस अम्ल के संपर्क में आता है तो इसकी गंध जो है वो तीक्ष्ण यानी कि बढ़ जाती है, ठीक है। प्याज का रस जो है, प्याज में की जो बदबू या खुशबू जो भी आप समझते हैं वो बढ़ जाएगी। लेकिन जब ये क्षारक के माध्यम में आता है, ठीक है, जब अगर क्षारक विलयन में प्याज का रस डाला जाएगा तो इसमें से कोई भी गंध नहीं आएगी, ठीक है। तो किस तरह से हम पहचान सकते हैं, हमें कोई विलयन दिया गया है उसमें हम प्याज का रस डालेंगे, अगर खुशबू या बदबू जो गंध होगी प्याज की वो बढ़ जाए तो हम कहेंगे कि वो विलयन जो है वो अम्लीय है, अगर जो गंध है वो कम हो जाए तो वो क्षारक माध्यम होगा, ठीक है। इसी प्रकार से वेनिला, वेनिला जो आइसक्रीम फ्लेवर, आइसक्रीम को फ्लेवर देने के लिए यूज किया जाता है, तो वेनिला आइसक्रीम आपने खाई होगी वही वेनिला है ये, ठीक है। वेनिला अम्ल के संपर्क में आने पर इसकी खुशबू, ठीक है, इसकी गंध में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, लेकिन जब ये क्षारक के माध्यम में आता है तो इसमें से कोई भी गंध नहीं आती, ठीक है। इसी प्रकार से लौंग का तेल, लौंग का तेल अम्ल के संपर्क में आने पर उसकी खुशबू या बदबू जो भी है, गंध वो है, समान रहती है, लेकिन जब लौंग का तेल क्षारक के माध्यम में आता है तो उसमें से कोई भी गंध नहीं आती है, ठीक है। इस तरह से हम सूचकों के माध्यम से अम्लीय व क्षारक विलयन या पदार्थों को पहचान सकते हैं, ठीक है। पाठ में अगला विषय है अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण यानी कि जो भी अम्ल व क्षारक हैं वो अलग अलग चीजों के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद में क्या चीजें बनाएंगे, इसी को कहा जाएगा रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखते हैं धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया। धातु अम्ल के साथ किस तरह से अभिक्रिया करेगा और धातु क्षारक के साथ किस तरह से अभिक्रिया करेगा। धातु आप समझते ही होंगे, धातु जैसे कि लोहा जिसे Fe से दर्शाया जाता है, पोटेशियम जिसे K से दर्शाया जाता है, इसी तरह से जिंक हो गया, जिंक को Zn से दर्शाया जाता है और सोडियम को Na से दर्शाया जाता है। इस तरह के ही धातुओं के साथ अम्ल किस तरह से अभिक्रिया करेंगे और क्षारक किस तरह से अभिक्रिया करेंगे, उदाहरण सहित देखते हैं। तो सबसे पहले धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल और धातु अभिक्रिया करके, ठीक है, ये दोनों अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस, ठीक है, अम्ल और धातु दोनों अभिक्रिया करके उत्पाद में लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, ठीक है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, अम्ल में लिया है हमने यहां पर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और धातु में है यहां पर जिंक, ठीक है, जिंक धातु है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेंगे और लवण बनाएंगे जिंक क्लोराइड ZnCl, ठीक है, ZnCl एक लवण है जिसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ, ठीक है, तो ये बना जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, कोई भी धातु हो, ठीक है, चाहे वो आयरन हो, लोहा हो, पोटेशियम हो, जिंक हो या सोडियम हो, कोई भी धातु है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हमेशा लवण तथा हाइड्रोजन गैस ही उत्पाद में हमें देगा। इसी प्रकार से देख लेते हैं धातु की क्षारक के साथ अभिक्रिया, क्षारक के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बनाएगा। तो इसमें भी क्षारक जमा में धातु यानी कि क्षारक और धातु अभिक्रिया करेंगे और लवण तथा हाइड्रोजन गैस, यहां पर भी क्या था, उत्पाद में हमें लवण तथा हाइड्रोजन गैस मिल रही थी। अम्ल के साथ अगर धातु अभिक्रिया करता है और क्षारक के साथ धातु अभिक्रिया करता है तो भी हमें लवण और हाइड्रोजन गैस मिल रही है, ठीक है। इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं, क्षारक में है हमारे सामने यहां पर NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और धातु फिर से हमने लिया है जिंक, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक दोनों अभिक्रिया करके लवण बनाएंगे, लवण है हमारे सामने यहां पर Na2ZnO2, ठीक है, यानी कि सोडियम जिंकेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। अब यहां पर देख सकते हैं आप कि अम्ल धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करे या धातु के साथ क्षारक अभिक्रिया करे, दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, दोनों स्थितियों में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये निकलने वाली जो गैस है हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका परीक्षण किस तरह से किया जाएगा आगे वाले पेज पर देखते हैं। धातु की अम्ल या क्षारक के साथ अभिक्रिया कराने पर जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसको पहचानने का जो तरीका है उसे देखते हैं। तो हाइड्रोजन गैस का परीक्षण, जो भी निकलने वाली गैस है हाइड्रोजन, उसे किस तरह से पहचाना जाएगा। तो इसमें है, हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है, यानी कि जो मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती जो हाइड्रोजन गैस के पास लाई जाएगी तो जो हाइड्रोजन गैस है वो बहुत ज्वलनशील गैस होती है, वो पॉप ध्वनि के साथ तुरंत जल जाए। तो ये है स्टैंड, इसमें ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक के छोटे छोटे दाने लिए गए हैं और साथ ही इसके अंदर डाल दिया गया है अम्ल। अम्ल और जिंक की अभिक्रिया यानी कि धातु और
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, ठीक है, वो बाहर नहीं निकल पाएगी इस कॉर्क की वजह से। इस कॉर्क के अंदर जो पाइप लगी है वो इससे गुजरेगी और उसे इस टब में भरे हुए साबुन के पानी के अंदर छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ये साबुन के पानी के अंदर निकलेगी, ये हाइड्रोजन गैस जो है वो बबल्स में, बुलबुलों में पैक हो जाएगी, ठीक है। और जो ये बुलबुले ऊपर आएंगे, बहुत हल्की गैस होती है हाइड्रोजन, वो आसानी से ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। तो ये बुलबुले जब ऊपर की तरफ जाएंगे, अगर इन बुलबुलों के पास हम जलती हुई मोमबत्ती लेके आएंगे तो ये पॉप ध्वनि करते हुए, ठीक है, तुरंत जल जाएंगे पॉप की ध्वनि के साथ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्वलनशील गैस होती है हाइड्रोजन, ठीक है। अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुणधर्म में आगे है, अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। कोई भी अम्ल या क्षारक है वो धातु कार्बोनेट यानी कि जैसे कि धातु, कोई भी हमारा धातु है जैसे सोडियम, तो सोडियम का कार्बोनेट, जैसे सोडियम का कार्बोनेट क्या होगा, Na2CO3, जो ये CO3 होता है, ठीक है। Na हो गया हमारा धातु और CO3 हो गया कार्बोनेट, यानी कि धातु कार्बोनेट हो गई, ठीक है। तो अम्ल व क्षारक धातु कार्बोनेट के साथ किस तरह से अभिक्रिया करेंगे, और इसी तरह से अम्ल व क्षारक धातु बाइकार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट को धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही चीज है, धातु बाइकार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा NaHCO3, यानी कि कार्बोनेट के साथ साथ धातु में कार्बोनेट के साथ साथ इसमें हाइड्रोजन भी हो, तो इसे कहा जाएगा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर धातु बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, सबसे पहले इसमें देखते हैं अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ किस तरह से अभिक्रिया करता है, उसके बाद देखेंगे अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ किस तरह से अभिक्रिया करेगा। तो ये है अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अम्ल, ठीक है, कोई भी अम्ल और धातु कार्बोनेट दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद में हमें लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी कि H2O देंगे, ठीक है। हमेशा कोई भी अम्ल हो, अगर किसी भी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद में हमें लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही मिलेंगे, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं इसके लिए, अम्ल में लिया है यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और धातु कार्बोनेट जैसा कि उदाहरण में भी बताया था वही है, ठीक है, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद में बनाएंगे NaCl, जो कि एक लवण होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 और साथ में जल यानी कि H2O, ठीक है। अब देखते हैं अम्ल की धातु बाइकार्बोनेट यानी कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल जो है वो धातु बाइकार्बोनेट यानी कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके हमें लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये तीनों चीजें उत्पाद में मिलती हैं। चाहे अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे, दोनों में हमें क्या मिल रहा है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यहां पर भी लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है। इसका उदाहरण देख लेते हैं, बाइकार्बोनेट यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल यहां पर है वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, लेकिन यहां पर धातु कार्बोनेट था, यहां पर आ गया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि धातु बाइकार्बोनेट। धातु बाइकार्बोनेट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उत्पाद में हमें मिलेगा NaCl यानी कि लवण, ठीक है, जो कि एक लवण है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है। ये हो गई अम्ल की धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। लेकिन क्षारक, क्षारक की अभिक्रिया का तो उदाहरण हमने लिया नहीं, ठीक है, तो इसके बारे में यहां पर एक लाइन लिखी है, क्षारक धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, ठीक है। कोई भी क्षारक जो है वो ना तो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा, ना ही धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा, सिर्फ अम्ल करता है इसके साथ अभिक्रिया, ठीक है। अब आप यहां पर देख सकते हैं, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे या अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे, तो गैस कौन सी मिलती है, गैस मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ठीक है, यहां पर भी CO2 और यहां पर भी CO2, तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये गैस CO2 है, तो अगले पेज पर देखते हैं इसी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण किस तरह से किया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण, जो भी गैस निकलने वाली है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तय किस तरह से किया जाएगा, तो इसमें यहां पर हमें दिया है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है, दूधिया यानी कि सफेद रंग का। जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को डाला जाएगा, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, चूने के पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाएगा, तो जो चूने का पानी है वो सफेद रंग का हो जाएगा, ठीक है, दूधिया यानी कि सफेद रंग, ठीक है।
और जो ये अभिक्रिया होगी चूने के पानी की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये किस तरह से होगी? ये है CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसी को कहा जाता है चूने का पानी। ठीक है, जब इस चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया जाएगा तो ये उत्पाद में बनाएगा CaCO3 और साथ में जल, यानी कि जो ये कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जल के अंदर ही बनेगा और ये जल के अंदर अघुलनशील होगा यानी कि सस्पेंडेड होगा। ठीक है, जिस तरह से चोक पाउडर पानी के अंदर होता है कुछ उसी तरह से, इसके कारण जो पानी है चूने का पानी है वो सफेद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे दिया है हमें, अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर जो भी ये उत्पाद बनेगा, ये उत्पाद बनने के बाद भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें से प्रवाह कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उत्पाद जो है CaCO3 और साथ में H2O, ये आ गया यहाँ पर CaCO3 और H2O, ये बनने के बाद भी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह हमने जारी रखा, हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बंद नहीं किया उसमें से, तो ये अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद बनाएगा जो होगा CaHCO3। यहां पर तो इस विलयन का रंग जो है वो दूधिया यानी कि सफेद होता है, अगर हम इसमें से और भी कार्बन डाइऑक्साइड गुजारेंगे, ठीक है, जो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो इसका रंग जो है वो दूधिया, ठीक है, पहले इसका जो चूने का पानी है इसका रंग बिल्कुल पानी की तरह होता है, जैसा पानी का, मतलब कलरलेस, कोई भी रंग नहीं होता। जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजारेंगे तो दूधिया, अगर और ज्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से गुजारेंगे तो वापस कलरलेस हो जाएगा, यानी कि जैसा पानी होता है बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। अब ये होगा क्यों? CaCO3 जो है वो बिल्कुल चौक पाउडर की तरह होता है, जो स्कूल में चौक यूज किए जाते हैं बिल्कुल उस तरह का होता है, ये जल के अंदर बनेगा। ठीक है, और चौक पाउडर को अगर हम पानी में डालते हैं तो वो उस पानी को सफेद भी कर देता है। ठीक है, इस तरह से होगा ये मान लीजिए विलयन दिया गया है हमें इस बीकर में, ये क्या करेगा, पानी को सफेद भी कर देगा और नीचे की तरफ बैठ भी जाएगा, यानी कि पानी में जो चौक पाउडर है वो अघुलनशील होता है। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स जो है छोटे छोटे कण है इसके पानी को सफेद कर देंगे, लेकिन जो ये है CaHCO3 ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये जल में घुल जाता है, जैसे चीनी पानी में घुल जाती है पता भी नहीं चलता, बिल्कुल पानी वैसा का वैसा ही रहता है उसका रंग, उसी तरह से ये पानी के अंदर घुल जाता है और जो दूधिया रंग यानी कि सफेद रंग ये प्रदान करता है ये गायब हो जाता है। ठीक है, इसे डायग्राम से समझ लेते हैं। तो यहां पर ये एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ये एक पाइप जो लगी है, ये पाइप नहीं है, ठीक है, ये स्थिर है। ठीक है, यानी कि इसे हिलाने के लिए एक डंडी है जो इसे, जो भी विलयन है अंदर, इसको हिलाने के लिए। इसमें अंदर जो तरल पदार्थ है वो है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किताब में जो डायग्राम दिया है उसमें मेथनोइक अम्ल दिया गया है, तो कोई भी अम्ल ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले सकते हैं, मेथनोइक अम्ल, और कोई भी धातु कार्बोनेट, यहाँ पर धातु कार्बोनेट है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। तो HCl और सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया में हमें एक लवण मिलेगा, जल मिलेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, गैस सिर्फ जो बनेगी वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड, इस कोर्क की वजह से बाहर तो निकल नहीं पाएगी, यहाँ पे कोर्क की वजह से जो गैस होगी इस पाइप की सहायता से इसमें जाएगी, दूसरी टेस्ट ट्यूब में जाएगी। इसमें पहले से जो है वो है चूने का पानी, ठीक है, यानी कि CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पहुंचेगी, जैसे ही ये इसमें पहुंचेगी ये दूधिया होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूधिया रंग होने के बाद और भी अगर हमने इसे नहीं हटाया, इसमें से लगातार गैस इसमें आ रही है हमने नहीं हटाया, तो इसका रंग जो है वो पहले जैसा यानी कि बिल्कुल पानी जैसा हो जाएगा। ठीक है, अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुणों में आगे है अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रियाएं, यानी कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ किस तरह से अभिक्रिया करेंगे, तो देखते हैं। इसमें कोई भी अम्ल हो हमारे पास और कोई भी क्षारक हो, इन दोनों की जब अभिक्रिया कराई जाएगी तो ये हमें उत्पाद में हमेशा लवण और जल यानी कि H2O देंगे। ठीक है, हमेशा कोई भी अम्ल हो कोई भी क्षारक हो, दोनों को मिलाया जाएगा यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो हमेशा हमें लवण और जल ही मिलेगा उत्पाद में। एक उदाहरण देख लेते हैं, अम्ल में यहाँ पर है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्षारक में है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक। ठीक है, ये अम्ल और ये क्षारक अभिक्रिया करके बनाएंगे NaCl यानी कि ये लवण है। ठीक है, एंड सोडियम क्लोराइड लवण और जल यानी कि H2O। ठीक है, हमेशा लवण और जल बनेगा अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में। ठीक है, और जो ये अभिक्रिया है अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, इस तरह की जो अभिक्रिया होती है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर
लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जब कोई भी अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर दे। यहां पर आप देख सकते हैं इस तरफ अम्ल और क्षारक है लेकिन इस तरफ कोई भी अम्ल और क्षारक नहीं है, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करके लवण और जल बना दिया उत्पाद में। ठीक है, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करना और साथ में लवण और जल का निर्माण करना, इस तरह की जो अभिक्रिया होगी अम्ल और क्षारक की, उसे कहा जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुणधर्म में आगे है अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। कोई अम्ल है उसके साथ कोई भी धात्विक ऑक्साइड यानी कि धातु के साथ ऑक्सीजन का जुड़ा होना, ठीक है, उसे कहा जाएगा धात्विक ऑक्साइड। जैसे कि धात्विक ऑक्साइड में उदाहरण ले लेते हैं इसके कुछ, Cu एक धातु है, अगर इसके साथ ऑक्सीजन का जोड़ दिया जाए तो वो हो जाएगा धात्विक ऑक्साइड। इसी तरह से MgO मैग्नीशियम धातु के साथ ऑक्सीजन का जुड़ा होना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कोई भी अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ किस तरह से अभिक्रिया करेगा, यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज है, यहां पर जो धात्विक ऑक्साइड होती है इनकी प्रवृत्ति जो है वो क्षारक होती है। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड को हम क्षारक भी कह सकते हैं क्योंकि इनकी प्रवृत्ति क्षारक ही होती है। तो पीछे हम पढ़ चुके हैं अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं और धात्विक ऑक्साइड जो है वो क्षारक ही होती है। तो यहां पर भी जो अभिक्रिया होगी धात्विक ऑक्साइड यानी कि क्षारक और अम्ल अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। उदाहरण देख लेते हैं कि यहां पर CO जो कि एक धात्विक ऑक्साइड है, ठीक है, तो धात्विक ऑक्साइड में यहां पर CuO लिया है और अम्ल में लिया है यहां पर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेंगे और उत्पाद में बनाएंगे CuCl जो कि एक लवण होता है और साथ में H2O यानी कि जल। ठीक है, और यहां पर एक बिंदु और दिया गया है हमें आगे, कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। जो भी ये कॉपर क्लोराइड बना है इसकी वजह से जो भी विलयन है उसका रंग नीला हो जाएगा, ये जल के अंदर बनेगा। ठीक है, जल के अंदर ही बनेगा ये और इसकी वजह से जो भी विलयन होगा उसका रंग नीला हो जाता है। अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुणों में आगे है क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड यानी कि अधातु के साथ ऑक्सीजन का जुड़ा होना, अधातु यानी कि जैसे कि कार्बन नाइट्रोजन इन सब के साथ ऑक्सीजन का जुड़ा होना। ठीक है, इसका एक उदाहरण हो जाएगा सी यानी कि कार्बन O2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक अधात्विक ऑक्साइड है। ठीक है, और जो भी अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वे अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं यानी कि हम इन्हें कह सकते हैं ये एक तरह से अम्ल ही होते हैं। ठीक है, कोई भी क्षारक अधात्विक ऑक्साइड यानी कि अम्लीय प्रवृत्ति, ठीक है, अम्ल के साथ अम्लीय प्रवृत्ति की वस्तु के साथ अभिक्रिया करके हमेशा लवण तथा जल बनाता है। ठीक है, उदाहरण में यहां पर है CaOH यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फिर से बता देता हूं, ये चूने का पानी होता है, ये बिल्कुल वही वाली अभिक्रिया है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेंगे। CaOH जो चूने का पानी होता है वो क्षारक प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, तो क्षारक में लिया है हमने यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड में है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो चूने का पानी और कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करके CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक लवण होता है उत्पाद में मिलेगा और साथ में मिलेगा हमें H2O यानी कि जल। अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुणों में आगे है जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक। अगर अम्ल जलीय विलयन में है तो वो किस तरह के गुण प्रदर्शित करेगा और अगर क्षारक जलीय विलयन में है तो वो किस तरह के गुणधर्म प्रदर्शित करेगा, इसमें पहले देख लेते हैं अम्ल। अम्ल को जलीय विलयन में डाला जाएगा तो क्या होगा, इसमें पहला बिंदु दिया गया है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। जल की उपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन प्लस आयन्स उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन प्लस, ठीक है, प्लस का मतलब धन आयन्स। ठीक है, हाइड्रोजन के जमा वाले आयन्स उत्पन्न करते हैं, ये हम पेज नंबर 1 या 2 पे पढ़ चुके हैं, सो इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। हाइड्रोजन आयन H3O धन धनायन, ठीक है, इस रूप में रहते हैं। जो ये हाइड्रोजन आयन्स हैं ये इस रूप में स्थायी नहीं होते हैं, तो ये स्थायीपन लाने के लिए इन्हें इस अवस्था में आना पड़ता है H3O धनायन, इस अवस्था में रहते हैं। और ये जो अवस्था है H3O पॉजिटिव, इसको कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इसको कहा जाएगा हाइड्रोनियम आयन्स। जो भी हाइड्रोजन के आयन्स हैं वो हाइड्रोनियम आयन्स के रूप में रहते हैं, ना कि हाइड्रोजन के। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोनियम आयन्स हैं ये बनते किस तरह से हैं। कोई भी हाइड्रोजन आयन है वो जल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहां पर है और दो हाइड्रोजन
यहाँ पर है, ये एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन अभिक्रिया करके कुल तीन हाइड्रोजन बनाते हैं और O, ठीक है, तो ये हो गया H3O जमा यानी कि धन आयन, इसी को कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन्स। ठीक है, इसका एक और उदाहरण ले लेते हैं, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा हमें। जैसे यहाँ पर है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में, ठीक है, H2O यानी कि जल में डाला जाएगा तो ये बनेगा एक H यहाँ पर और H2O, हाइड्रोजन दो यहाँ पर है एक यहाँ पर है, ये जुड़कर तीन हाइड्रोजन और O पॉजिटिव यानी कि ये बन गया हाइड्रोनियम आयन्स, और क्लोरीन जो है क्लोरीन अलग हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पे यानी कि घटाकार ऋण आयन हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से बनता है ये हाइड्रोनियम आयन्स। अब देखते हैं जलीय विलयन में क्षारकों को डाला जाएगा तो क्या होगा। क्षारक जल की उपस्थिति में OH यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड के घटा वाले आयन्स बनाते हैं। ठीक है, घटा वाले यानी कि ऋण आयन्स, ऋण आयन बनाएंगे ये। किस तरह से बनेगा ये, यहां पर है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जल की उपस्थिति में ये Na जमा और OH घटा, इस तरह से ये बट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, जल की उपस्थिति में तो OH यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड के ऋण आयन्स बनाएंगे। किसी भी वस्तु की प्रवृत्ति क्षारक है उसका कारण होता है हाइड्रो ऑक्साइड के आयन्स। आगे है जल के साथ अम्ल व क्षारक मिलाते समय सावधानियां। जब हम जल और अम्ल या फिर क्षारक को मिलाएंगे तो उस समय हमें कुछ सावधानियां रखनी होती हैं जो बहुत जरूरी हैं। उसमें सबसे पहले हमें दिया है हमेशा अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। ठीक है, हमें जल को क्षारक या अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, अम्ल व क्षारक को जल में मिलाना चाहिए। यानी कि हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, इसमें होगा जल, ठीक है, यहां पर है इसमें जल और इसके अंदर कोई भी हमारे पास यहां पर मान लीजिए ये अम्ल, ठीक है, ये अम्ल है, ये क्षारक है। अगर हमें अम्ल और जल को मिलाना है तो हम अम्ल को इसमें डाला जाएगा और जो भी ये बर्तन है, जो भी ये बीकर है, इसको धीरे धीरे हमें हिलाता भी रहना पड़ेगा। अगर हम नहीं हिलाएंगे तो ये जो अभिक्रिया होगी अम्ल तथा जल की, ये बहुत ऊष्मा शेपी होगी और इसमें से झाग बन के ये बाहर भी निकल सकता है और हमारे हाथ या पैरों को जला सकता है। हमेशा ध्यान रखना है अम्ल को जल में डालेंगे या फिर क्षारक को जल में डालेंगे, कभी भी हमें इस तरह से नहीं करना है कि यहां पर हमने ले लिया है अम्ल और इसमें जल डाला जाएगा। ठीक है, ये है जल कि इसमें जल से अम्ल डाला जाएगा, ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है, सही तरीका है ये। ठीक है, अगला बिंदु दिया गया है यह प्रक्रिया बहुत ऊष्मा शेपी होता है इसलिए कांच पात्र लगातार हिलाते रहना चाहिए। ये मैं बता चुका हूं, जो भी ये कांच पात्र हमारा बीकर है इसे लगातार हिलाते रहेंगे क्योंकि जो प्रक्रिया है ये वाली, ये बहुत ऊष्मा शेपी यानी कि बहुत अधिक तापमान हो जाता है जब इसे मिलाते हैं और ये झाग बन के बाहर भी निकल सकते हैं और तापमान अधिक होने के कारण जो ये कांच का बर्तन है, ठीक है, पात्र है, ये टूट भी सकता है। तो हमें सावधानियां रखनी चाहिए, हाथों में ग्लव्स पहनने चाहिए और मतलब अम्ल और क्षारक के साथ ना ही खेले तो बेहतर है। जो भी प्रयोगशाला में अम्ल और क्षारक होते हैं उनको अपनी टीचर की निगरानी में ही यूज करना चाहिए। ठीक है, पाठ में अगला विषय है अम्लों व क्षारकों की प्रबलता। मान लीजिए हमें कुछ अम्ल दिए गए हैं, दो तीन तरह के, उनमें से हमें पहचानना है कौन सा अम्ल ज्यादा पावरफुल है यानी कि कौन सा प्रबल यानी कि ताकतवर। ठीक है, कौन सा अम्ल प्रबल यानी कि ताकतवर है और कौन सा अम्ल दुर्बल यानी कि कमजोर है, ये किस तरह से हमें पता चलेगा। इसी तरह से क्षारकों के लिए कौन से क्षारक दुर्बल होते हैं और कौन से प्रबल यानी कि ताकतवर होते हैं, इसे किस तरह से मापा जाएगा, इसी के बारे में पढ़ते हैं। किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन आयन्स या फिर हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स की सांद्रता पर निर्भर करती है। सांद्रता यानी कि परसेंटेज कह सकते हैं इसे। ठीक है, कोई भी विलयन है उसमें कितने हाइड्रोजन प्लस आयन्स हैं और कितने हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स हैं, इनकी सांद्रता पर निर्भर करेगा कि जो भी अम्ल है वो प्रबल है या दुर्बल है। ठीक है, यानी कि जो अम्ल है वो कितना दुर्बल कमजोर है और कितना ताकतवर है, इन्हीं चीजों पर निर्भर करेगा, चाहे वो अम्ल के बारे में हो चाहे वो क्षारक के बारे में हो। और ये हाइड्रोजन आयन्स और हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स, इनका किस तरह से पता लगाया जाएगा कि किसमें कितनी सांद्रता है, तो इसके लिए अम्ल व क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक या फिर सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जो भी अम्ल या क्षारक है इनकी प्रबलता यानी कि इसमें कितनी ताकत है, इनको ज्ञात करने का एक अच्छा सा तरीका है ये सूचक। ठीक है, सार्वभौमिक सूचक या फिर कह सकते हैं हम इसे सार्वत्रिक सूचक। ठीक है, किताब में जो NCERT है उसमें सार्वत्रिक सूचक कहा गया है लेकिन पेपर में कई बार सार्वभौमिक सूचक आ जाता है, तो एक ही चीज है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है,
इसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। और ये सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक होता क्या है, इसे कहा जाता है पीएच, पीएच पेपर, ठीक है, हिंदी माध्यम में है तो पीएच पत्र लिख सकते हैं आप, ठीक है, पीएच पत्र यानी कि पीएच पेपर कहा जाता है इसे। इसके बारे में आगे वाले पेज पर बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। जो भी ये सूचक है, सार्वभौमिक सूचक या फिर सार्वत्रिक सूचक, इसकी परिभाषा क्या होगी, यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन्स की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है, ठीक है, यानी कि यह किस चीजों को मापता है, हाइड्रोजन आयन्स को, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन्स को नहीं मापता है ये मापता है हाइड्रोजन आयन्स की सांद्रता, यानी कि कोई भी विलयन है उसमें कितना परसेंट हाइड्रोजन आयन्स है, इस चीज को ये हाइड्रोजन आयन्स को ये अलग अलग रंगों के उसकी सांद्रता, हाइड्रोजन आयन्स की सांद्रता को ये अलग अलग रंगों में प्रदर्शित करता है। अगर हाइड्रोजन आयन्स की सांद्रता अधिक होगी तो ये कुछ इस तरह के लाल से रंग शो करेगा, ऑरेंज वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर हाइड्रोजन आयन्स की सांद्रता ना तो ज्यादा ना ही कम यानी कि मध्यम बीच में होगी तो ये इस तरह के रंग शो करेगा, पीला, हरा या फिर थोड़ा सा गहरा हरा, ठीक है। अगर हाइड्रोजन आयन्स की सांद्रता बहुत कम होगी तो ये इस तरह के रंग शो करेगा जो नीले वाले हैं, ठीक है, हल्का नीला, फिर गहरा गहरा, गहरा नीला, ठीक है। जो भी ये सार्वभौमिक सूचक या सार्वत्रिक सूचक जिसे पीएच कहा जाता है, इस पर रीडिंग होती है 0 से लेके 14 तक, ठीक है, बाकी इसके बारे में अगले पेज पर विस्तार से पढ़ते हैं। ये है पीएच स्केल, ठीक है, इस तरह का होता है। तो पीएच स्केल जो है वो हाइड्रोजन आयन्स की सांद्रता के आधार पर अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है। अब आप कहेंगे हाइड्रोजन आयन्स तो सिर्फ अम्ल में होते हैं तो शारकों को ये किस प्रकार से प्रदर्शित करेगा इन रंगों में, तो आपको ये जानना जरूरी है, ठीक है, ये पीएच स्केल इस पे 0 से 14 तक रीडिंग होती है। आपका ये जानना जरूरी है कि जो हाइड्रोजन आयन्स होते हैं या फिर हाइड्रोक्साइड आयन्स होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयन्स अम्ल में भी होते हैं और शारक में भी होते हैं, इसी प्रकार से हाइड्रोक्साइड आयन्स अम्ल में भी होते हैं और शारक में भी होते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं। ये आपको एक पट्टी सी दिख रही होगी, स्केल है ये, ठीक है, किताब में भी दिया गया है ये। तो जो 7 होता है पीएच स्केल का, जो 7 मान होता है, ये वाली लाइन यहां पर होता है लवण, ठीक है, ये मान जो है ये है लवण के लिए। अगर इससे हम उल्टे हाथ की तरफ, ठीक है, इस साइड में जाएंगे तो ये जो सभी रंग है ये अम्लीय है, कोई भी हाइड्रोजन आयन्स की प्रवृत्ति मतलब इन रंगों में प्रदर्शित करेगा हाइड्रोजन आयन्स को, तो इस साइड में ये सारे अम्ल दर्शाएगा और इस साइड के रंगों में ये क्षारक, ठीक है, क्षारीय प्रवृत्ति को दर्शाएगा। अब बात आती है हाइड्रोजन आयन्स और हाइड्रोक्साइड आयन्स, ठीक है, क्षारक को किस तरह से प्रदर्शित करता है। तो देखो यहां पर ये स्केल है लवण, इससे इधर सभी अम्ल आ जाएंगे और इससे इधर सभी क्षारक आ जाएंगे, ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं जो नीले वाला क्षेत्रफल है, ठीक है, ये नीला रंग जो दिखाई दे रहा है ये है हाइड्रोजन आयन्स, ठीक है, और जो ये सफेद वाला हिस्सा है ये है हाइड्रोक्साइड आयन्स। तो जो भी अम्ल होते हैं उसमें ये सफेद वाला भी क्षेत्रफल है और नीले रंग वाला भी क्षेत्रफल है, यानी कि यहां पर हाइड्रोजन आयन्स भी है और हाइड्रोक्साइड आयन्स भी है, ठीक है, लेकिन अम्ल क्यों है ये फिर, अगर इसमें हाइड्रोक्साइड आयन्स भी है तो ये अम्ल क्यों है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन्स अधिक है, हाइड्रोक्साइड आयन्स बहुत कम है, ठीक है, और लवण पर क्या होता है, जितने हाइड्रोजन आयन्स होते हैं उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन्स होते हैं और ये मिलकर H2O बना देते हैं, ठीक है, लवण और जल बना देते हैं, इसलिए यहां पर जो ये है लवण होता है उदासीन, ठीक है, उदासीन अभिक्रिया 7 पर ही होती है, ठीक है। अब इस साइड आएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं ये नीले वाला क्षेत्रफल कम हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन आयन्स कम हो रहे हैं, और जो सफेद वाला क्षेत्रफल है ये अधिक हो रहा है, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन्स ज्यादा है। अगर हाइड्रोक्साइड आयन्स ज्यादा है तो वो प्रवृत्ति होगी क्षारीय, अगर हाइड्रोजन आयन्स ज्यादा है तो वो प्रवृत्ति होगी अम्लीय। तो ये जो हाइड्रोजन आयन्स की सांद्रता अगर अधिक होगी तो वो अम्लीय, अगर हाइड्रोजन आयन्स की सांद्रता बहुत कम होगी तो वो क्षारीय प्रवृत्ति को दर्शाएगा, ठीक है, ये क्षारक के लिए इस तरह के रंग प्रदर्शित करेगा, यानी कि 7 से अधिक रीडिंग देगा, और अम्ल के लिए 7 से कम रीडिंग देगा। तो यहां पर ये इंफॉर्मेशन मैंने लिख दी है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। पीएच इक्वल्स टू 7, किसी भी विलयन का पीएच मान अगर 7 है तो इसका मतलब क्या है, जो विलयन है वो उदासीन, उदासीन यानी कि लवण है वो, ठीक है। अगर किसी का पीएच मान 7 से कम, ठीक है, ये कम का निशान है, पीएच मान 7 से कम है, अगर 7 से कम है तो वो विलयन अम्लीय होगा, ठीक है। और आगे है इसमें पीएच मान जो है वो 7 से अधिक है, अगर 7 से अधिक है तो वो विलयन जो होगा वो क्षारक होगा, ठीक है, क्षारीय विलयन होगा।
ये था कुल मिला के पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पीएच का हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो उसी के बारे में दिया गया है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, जो भी हमारा पीएच मान है उसके कितनी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। तो इसमें पहला बिंदु दिया गया है, हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है वो 7 से लेके 7.8 तक होता है। अगर हमारे शरीर का पीएच मान 7 से कम हो जाए या 7.8 से अधिक हो जाए तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, हमें कई तरह की बीमारियां लग जाएंगी। इसमें अगला बिंदु है, वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का रंग पीला हो चुका है, तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी भी वर्षा का जल 5.6, ठीक है, 5.6 मतलब 7 से कम है ये 5.6, अगर 5.6 से कम हो जाए तो वो वर्षा अम्लीय होगी। ठीक है, और अम्लीय वर्षा के कारण पहले ताजमहल का रंग जो है वो बिल्कुल सफेद चमकीला होता था, ताजमहल अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का जो रंग है वो थोड़ा थोड़ा पीला हो चुका है। ठीक है, इसी में आगे है, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दोनों नहीं है यहां पर दांतों, ठीक है, दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अगर हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो हमारे जो दांत हैं वो गलना शुरू कर देते हैं, क्षय यानी कि गलना। ठीक है, गलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो 5.5 होता है उससे कम अम्ल जो है वो प्रबल होता जाता है। ठीक है, अम्ल की प्रबलता अधिक होगी तो वो हमारे दांतों के साथ अभिक्रिया करेगा और उनको गलाना शुरू कर देगा। अगर हमें इससे बचना है, अम्लीयत मतलब दांतों के गलने से अगर हमें बचना है तो हमें मतलब खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए या फिर हमें ब्रश करनी चाहिए कम से कम 2 वक्त। ठीक है, सोते समय जरूर हमें ब्रश करनी चाहिए, इससे हम बच सकते हैं आसानी से। आगे है, मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण जलन व दर्द होता है। जब भी कोई मधुमक्खी काटती है तो उसके कारण हमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, अगर उसका डंक अंदर ही है हमारे शरीर के अंदर तो वो बहुत ज्यादा दर्द करता है, क्योंकि जो डंक होता है उसमें एक अम्ल होता है जिसका नाम है मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल जो है हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं, बॉडी के सेल्स होते हैं, उनको डैमेज, उनको खत्म करना शुरू कर देता है। इसी के कारण हमें जलन या फिर दर्द होता है। ठीक है, अगर हम इस दर्द या जलन से बचना चाहते हैं तो उसके ऊपर हम कोई कोलगेट या फिर कोई साबुन से हमें उसे धोना चाहिए, क्योंकि साबुन जो है वो अम्लीय प्रभाव को समाप्त कर देता है। ठीक है, यानी कि जो मेथनोइक अम्ल है इसके प्रभाव को वो धीरे धीरे करके समाप्त कर देगा। अगला बिंदु और आखिरी बिंदु है इसमें, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग पीएच मान की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो 5 से 6 के पीएच मान के बीच में बहुत अच्छी तरह से ग्रो यानी कि वो अच्छी तरह से उपज करते हैं, मतलब अच्छी तरह से वो विकास करते हैं अपना। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो 6 से 7 के में करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं 7 से 8। यानी कि जो पौधे होते हैं अलग अलग पौधों का पीएच मान, अलग अलग पौधों को अलग अलग पीएच मान की आवश्यकता होती है अपनी बेहतर विकास के लिए। ठीक है, पाठ में हमारा अगला विषय आता है लवण। लवण का निर्माण किस तरह से होता है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। कोई भी अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके यानी कि परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। अम्ल में लिया है यहाँ पर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्षारक में लिया है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेंगे और लवण यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड लवण का निर्माण करेंगे। और जो ये सोडियम क्लोराइड होता है ये साधारण नमक है, जो हम घर में रसोई घर में यूज करते हैं नमक, वही नमक है ये। ठीक है, साधारण नमक जो खाने में डाला जाता है। और इसके साथ साथ H2O यानी कि जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ये तो एक लवण हो गया सोडियम क्लोराइड, इसके अलावा भी बहुत सारे लवण हैं जिनका निर्माण किया जाता है, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड, COSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। अलग अलग प्रकार के कई लवण होते हैं। ठीक है, आगे है इसी में लवण से रसायनों का निर्माण। जो भी लवण होते हैं उनसे रसायन यानी कि केमिकलों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का लवण से ही बनाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे कहा जाता है POP, इन सब का निर्माण किस तरह से किया जाता है और इनके उपयोग क्या क्या हैं। ठीक है, एक एक करके सभी के बारे में आगे वाले पेजेस पर पढ़ते हैं।
लवण से जो रसायनों का निर्माण किया जाता है यानी कि केमिकल बनाए जाते हैं उसमें सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। Na से होता है सोडियम और OH से हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका निर्माण किस तरह से होता है इसमें हमें दिया है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो जल में उपस्थित है जलीय विलयन, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन उसमें से जब बिजली विद्युत को प्रवाहित करेंगे तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। और इसकी रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है ये देख लेते हैं। यह है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, साथ में जल भी है इसके, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड के साथ जो जल है इस विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद ये बदल जाता है NaOH यानी कि ये मिल गया हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये मिल गया हमें। इसके साथ साथ दो गैसें भी मिलती हैं, एक तो क्लोरीन गैस मिलती है और एक हाइड्रोजन गैस भी मिलती है हमें उत्पाद में। अब देख लेते हैं ये कहां कहां पर बनते हैं, जो जलीय विलयन है उसमें कहां पर बनते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है। तो एनोड, एनोड पर जो है वो क्लोरीन गैस निकलती है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है और कैथोड के पास ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनता है। ये तीनों चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, एनोड पर क्लोरीन, कैथोड पर हाइड्रोजन और कैथोड के पास ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनता है। अब बात कर लेते हैं ये तीनों चीज जो हमें उत्पाद में मिली है इनके उपयोग क्या क्या है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या होता है, क्लोरीन का और हाइड्रोजन का क्या क्या उपयोग होते हैं, ठीक है। तो उपयोग में क्लोरीन का उपयोग जो है वो जल की स्वच्छता या फिर पीवीसी के लिए उपयोग किया जाता है, पॉलीवेनिक क्लोराइड के लिए, ठीक है, जल की स्वच्छता के लिए, ये गलत हो गया है। क्लोरीन जो है वो जल की स्वच्छता के लिए उपयोग किया जाता है और हाइड्रोजन, ठीक है, ये C2 और H2, हाइड्रोजन का उपयोग जो है वो ईंधन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन का ऊपर वाला ईंधन के लिए यूज किया जाता है और क्लोरीन जल की स्वच्छता और पॉलीवेनिक क्लोराइड बनाने के लिए। और NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है वो ग्रीस हटाने के लिए, धातु पे जो ग्रीस लगा होता है वो आसानी से नहीं हटता है तो उसको हटाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। साबुन और कागज बनाने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है, इसका उपयोग क्या क्या है ये जरूर याद कर लेना है आपको, एक तो ग्रीस हटाने के लिए, साबुन और कागज बनाने के लिए, ठीक है। लवण से जो रसायनों का निर्माण किया जाता है उसमें दूसरे नंबर पर है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसके निर्माण में हमें दिया है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, ठीक है, शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन के साथ जब अभिक्रिया करे तो हमें मिलता है विरंजक चूर्ण। और शुष्क बुझा हुआ चूना होता क्या है, CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन यानी कि Cl के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमें मिल जाएगा विरंजक चूर्ण। इसकी रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होगी ये देख लेते हैं, यह है CaOH2 यानी कि बुझा हुआ चूना और यह है Cl, ये दोनों एक दूसरे के साथ अभी क्रिया करके बनाएंगे CaOCl2 यानी कि विरंजक चूर्ण, ठीक है, ये बना विरंजक चूर्ण और साथ में H2O यानी कि जल। अब जो भी ये विरंजक चूर्ण है इसके उपयोग क्या क्या होते हैं, ठीक है, उपयोग से पहले यहां पर बता दूं विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है इंग्लिश में। और ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आपने सुना होगा, वो किसी भी तरह के कपड़े में अगर कोई दाग लगा है तो उसको हटाने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज को सफेद बनाने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जा सकता है आसानी से। उपयोग में पहला दिया हमें वस्त्र उद्योग में सूती व लेनिन के विरंजन के लिए, सूती वस्त्र हो या लेनिन के वस्त्र हो उनके अगर उनपे कोई दाग धब्बे लगे हैं तो उनको साफ करने के लिए इसका विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जा सकता है। आगे है कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, लकड़ी का मज्जा यानी कि लकड़ी को पीस दिया जाता है, ठीक है, कागज लकड़ी से बनता है, लकड़ी के मज्जा को लकड़ी को पीस दिया जाता है, ठीक है, पाउडर सा बनाया जाता है और जो भी लकड़ी का रंग होता है उसको बिल्कुल सफेद बनाने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, यानी कि लकड़ी के मज्जा को विरंजक चूर्ण की उपस्थिति में धोया जाता है और लकड़ी का पाउडर जो होता है मज्जा वो बिल्कुल सफेद हो जाता है, उसके बाद उससे पेपर बना लिए जाते हैं, ठीक है, तो कागज की फैक्ट्री में भी इसका उपयोग होता है। और तीसरा है पीने के पानी में रोगाणुनाशक के रूप में, पीने का पानी जो होता है उसमें भी अगर विरंजक चूर्ण डाल दिया जाए तो जो भी पानी में बैक्टीरिया वगैरह होता है ऐसे रोगाणु जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है, तो पीने के पानी में रोगाणुनाशक के रूप में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। लवण से जो रसायनों का निर्माण किया जाता है उसमें तीसरे नंबर पर है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
और जो बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये एक दुर्बल असंक्षारक होता है, दुर्बल यानी कि कमजोर और असंक्षारक यानी कि लंबे समय तक चलने वाला, ठीक है। असंक्षारक यानी कि इसमें कभी जंग नहीं लगता, ये कभी खराब नहीं होता, दुर्बल होता है, इसे हम टेस्ट भी कर सकते हैं अपनी जीभ द्वारा, ठीक है। इसके निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल यानी कि H2O और अमोनिया यानी कि NH3, इन सभी की परस्पर अभिक्रिया से बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 का निर्माण होता है, ठीक है। ये सभी अभिक्रिया करेंगे और उत्पाद में बनाएंगे NH4Cl। NH3 होता है अमोनिया और NH4 होता है अमोनियम, ठीक है, ये अमोनिया और ये अमोनियम, तो अमोनियम क्लोराइड मिलेगा उत्पाद में हमें और साथ ही NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, ये मिल गया हमें बेकिंग सोडा। अगर बेकिंग सोडा को खाने में डाल के गर्म किया जाए तो क्या होता है, ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। तो खाना पकाते समय गर्म करने पर यानी कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, तो ये है बेकिंग सोडा, खाने में डालने के बाद इसे गर्म किया जाएगा तो ये विभाजित हो जाता है, ठीक है, यानी कि वियोजित हो जाता है कई सारे उत्पादों में, सोडियम कार्बोनेट CO3, ठीक है, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट जल जो कि एक वाष्प के रूप में होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इसके कारण जो खाने वाली चीजों में डाला जाता है इसे, वो फूलने लग जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ब्रेड जो है वो फूली हुई रहती है, उसका कारण क्या है, क्योंकि उसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो बबल से बनते हैं उसमें, जो बबल से आपको दिखाई देते हैं ब्रेड में, वो CO2 गैस के कारण बनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा के उपयोग, तो उपयोग में सबसे पहले है बेकिंग पाउडर बनाने में। अब बेकिंग सोडा अलग है और बेकिंग पाउडर अलग है, ठीक है। बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है, और बेकिंग पाउडर होता क्या है असल में, ये बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल अगर आपस में मिल जाए तो उससे बनता है बेकिंग पाउडर, ठीक है, और अगर बेकिंग पाउडर से टार्टरिक अम्ल को निकाल दिया जाए तो वो बनता है बेकिंग सोडा, ठीक है। यानी कि हम बेकिंग पाउडर से बेकिंग सोडा बना सकते हैं और बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बना सकते हैं। इसका दूसरा उपयोग है, यह एंट एसिड का एक संघटक है। एंट एसिड यानी कि जब हमें एसिडिटी होती है तो हम ये इनो वगैरह जो लेते हैं वो एंट एसिड होते हैं, तो एंट एसिड में भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है क्योंकि एक दुर्लभ असंक्षारक है, ठीक है, ये कभी भी खराब ना होने वाला दुर्लभ है, हमारे शरीर को ये नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसलिए जो एंट एसिड होते हैं, जो एसिडिटी होते हैं हमारे शरीर में, उससे राहत पहुंचाने के लिए जो दवाई बनाई जाती है उसमें भी ये डाला जाता है। तीसरे नंबर पर है अग्निशामक में इस्तेमाल। अग्निशामक यानी कि आग बुझाने वाले यंत्र जो होते हैं उसमें भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। लवण से जो चौथा रसायन बनाया जाता है उसे कहा जाता है धोने का सोडा, ठीक है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। Na2 सोडियम, CO3 यानी कि कार्बोनेट और 10H2O यानी कि 10 जल के अणु, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर जल के 10 अणु हैं तो उसे कहा जाएगा धोने का सोडा। इसका निर्माण भी कुछ इसी प्रकार से किया जाता है, तो निर्माण में हमें दिया है सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसके दोबारा से क्रिस्टल बनाए जाए इसमें जल डाल के, ठीक है, तो बनता है धोने का सोडा। इसकी रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, Na2CO3, ठीक है, ये है सोडियम कार्बोनेट और साथ में इसके 10 जल के अणु मिला दिए जाएं, ठीक है, 10H2O 10 जल के अणु डालकर इसके क्रिस्टल बनाए जाएं, ठीक है। तो जो ये 10 जल के अणु होते हैं वो इनके क्रिस्टल के साथ जुड़े रहते हैं, तो बनेगा Na2CO3 10H2O, ये मिल गया हमें धोने का सोडा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके उपयोगों के बारे में, तो धोने के सोडे के उपयोगों में सबसे पहले है कांच, साबुन एवं कांच के उद्योग में। जहां पर कांच बनाए जाते हैं, साबुन बनाए जाते हैं या कागज बनाए जाते हैं, तो वहां पर इसका धोने के सोडे का उपयोग किया जाता है इन सभी की सफाई के लिए, ठीक है। दूसरे नंबर पर है घर में साफ सफाई के लिए। धोने का सोडा से आप समझ ही गए होंगे कि इसका काम किसी चीज की धुलाई वगैरह के लिए होगा, तो धोने का सोडा घरों में साफ सफाई, पोछा लगाते हैं, फर्श धोते हैं, किसी तरह के जो अलग से रसायन सर्फ वगैरह डाला जाता है उसमें धोने का सोडा होता है, ठीक है। तीसरे नंबर पर है जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए। जल की कठोरता से मतलब है जब साबुन को जल में मिलाया जाए तो साबुन फट जाता है, ठीक है। लवण से जो आखिरी रसायन बनाया जाता है उसे कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आविष्कार या फिर इसका इस्तेमाल जो है वो सबसे पहले पेरिस में हुआ था।
इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 एक बटा दो H2O। CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट और एक बटा दो यानी कि आधा जल का अणु, ठीक है, H2O आधा जल का अणु। कैल्शियम सल्फेट के साथ अगर आधा जल का अणु है तो उसे कहा जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसके बनाने की विधि क्या है, यानी कि निर्माण की विधि क्या है, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणु त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनता है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, कैल्शियम सल्फेट आधे को कहेंगे हम अर्ध, और हाइड्रेट का मतलब होता है जल, ठीक है, अर्ध हाइड्रेट यानी कि आधे जल का अणु, कैल्शियम सल्फेट के साथ आधे जल का अणु, तो उसे कहा जाएगा कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ठीक है। तो ये बनता है। और जिप्सम क्या होता है, जिप्सम होता है ये CaSO4 दो H2O यानी कि इसके साथ दो जल के अणु होते हैं। अगर इसे गर्म किया जाए 100 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर इसे गर्म किया जाएगा तो ये अपना डेढ़ जल का अणु त्याग के सिर्फ आधा जब जल का अणु बचता है इसके पास तो ये बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि CaSO4 अर्ध हाइड्रेट, ठीक है। आगे है इसमें, इस सफेद चून को जल में मिलाने पर यह फिर से जिप्सम बन जाता है अगर, ठीक है, यानी कि हम समझ सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस किस रंग का होता है, सफेद रंग का। तो सफेद जो चून होता है इसको वापस अगर जल में मिला दिया जाए तो ये फिर से जिप्सम बन जाता है, ठीक है। यानी कि हम जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम, दोनों एक दूसरे में बदले जा सकते हैं। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल डाल दिया जाए तो वो जिप्सम बन जाएगा, और जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाने की विधि किस प्रकार है ये देख लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया इसके लिए, ठीक है। तो यह है CaSO4 हाफ H2O यानी कि अर्ध हाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट यानी कि ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर डेढ़ जल के अणु, एक और आधा जल का अणु इसके साथ मिला दिया जाए तो ये बन जाएगा जिप्सम। और अगर जिप्सम इसको अगर वापस अभिक्रिया कराई जाए, ठीक है, अगर इसकी वापस अभिक्रिया कराई जाए 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर जिप्सम को गर्म किया जाए तो ये वापस किस में बदल जाएगा, CaSO4 अर्ध हाइड्रेट में बदल जाएगा, ठीक है। जो डेढ़ जल का अणु है वो इसमें से अलग निकल जाएगा, वाष्पीकृत होके, तो बन जाएगा ये POP, ठीक है। अब देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP के उपयोग क्या क्या होते हैं। तो इसका पहला उपयोग हमें दिया है टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए, यानी कि इसका इस्तेमाल अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। अगर किसी मरीज की हड्डी टूट जाती है तो उसकी हड्डी को सही जगह पर स्थिर रखा जाता है प्लास्टर के द्वारा, ठीक है, उस पर प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है। जो सफेद पाउडर होता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे गीला करके पट्टी के साथ से, ठीक है, जहां भी हड्डी टूटी होती है वहां पर इसे चिपकाया जाता है और कुछ मतलब महीने भर के लिए इसे ऐसे ही रखा जाता है। तो हड्डी जो है वो अपने आप ही स्थिर रहेगी, अगर सही जगह पर रहेगी तो वो अपने आप ही जुड़ जाती है। दूसरा उपयोग है खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने के लिए। कई तरह के खिलौने जो सफेद से खिलौने दिखते हैं, सफेद पाउडर से बने होते हैं, वो सभी जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बने होते हैं, ठीक है, यानी कि POP से ही बने होते हैं। आखिरी है इसमें दीवार की सतह को चिकना बनाने के लिए, दीवारों पर भी लगाया जाता है। जो वॉल पुट्टी होती है वो असल में POP ही होती है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होती है, ठीक है, उससे दीवार जो है वो चिकनी हो जाती है, ठीक है। चैप्टर के लास्ट में आता है क्रिस्टलिन का जल। क्रिस्टलिन का जल क्या होता है, यानी कि इसकी परिभाषा क्या होती है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलिन का जल कहते हैं, ठीक है, यानी कि किसी लवण में, लवण के एक इकाई में कुछ जल के अणुओं की संख्या है उसी को कहा जाएगा क्रिस्टलिन का जल, ठीक है। इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर है CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट 5H2O यानी कि 5 जल के अणु है। कॉपर सल्फेट जो हमारा ये लवण है इसमें 5 जल के अणुओं की संख्या है, तो इसको जो 5 जल के अणु है इसे कहा जाता है क्रिस्टलिन का जल। और जो ये क्रिस्टलिन का जल होता है ये दिखाई नहीं देता है, ठीक है, अगर इसे गर्म किया जाए तो ये वाष्प बन के बाहर निकलने लगता है। और भी बहुत सारे उदाहरण देखना चाहें तो जैसे जिप्सम में 2 जल के अणु थे, POP में आधा जल का अणु था, धोने के सोडे में 10 जल के अणु थे, वो सभी इसके उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ पाठ के सभी विषय हो जाते हैं कंप्लीट। उम्मीद करूंगा आपको सभी विषय समझ आए होंगे। अगर आपको सभी विषय समझ आए हैं तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। कोई भी विषय जो समझ नहीं आया है उसे कमेंट बॉक्स सेक्शन में मेंशन कीजिए, और NCERT सॉल्यूशन और पाठ के नोट्स दोनों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।